बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए उद्घाटन हो चुका है, ओपनिंग हो चुकी है, आ जाइए। शफीक भाई आ जाओ, भाई 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 अभी दूसरे ग्रुप का लो। सब लोग लाइन से आ जाओ। मैं सुभाष मेहता, स्टेशन मैनेजर, जोगेश्वरी लोकल स्टेशन का इंचार्ज हूँ। जोगेश्वरी स्टेशन पे मंसूर भाई और ये बाकी सभी लोगों का बहुत ही साथ मिलता है, इसीलिए इतने सारे काम जो हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, और आगे भी यही उम्मीद है कि और भी काम अच्छे करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पब्लिक के फायदे का ही है और इनके साथ सहयोग से ही, इनकी मेहनत से, यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, समाज सेवक है, सबकी मेहनत से ही ये बना है। और भी आगे वो राम नहीं अंधेरी साइड के ब्रिज पे जो पहले पुराना फाटक था, वहाँ भी और एक एस्केलेटर लगने का प्लान है। वेरी गुड। लेकिन वो अगले साल में जाएगा, नए साल में इंशाल्लाह शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मंसूर भाई जो लास्ट 7 साल से हमारे जोगेश्वरी स्टेशन के लिए जो एस्केलेटर के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दिया। और मैं उनको खास करके कहूँगा, हमारे जो इलाके के जो बुज़ुर्ग है, जो प्रेग्नेंट वूमन है, जो बच्चे हैं, जो मेरे जैसे सीनियर सिटीज़न है जिनके पैरों में बहुत दर्द है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नेक काम हो गया। अल्लाह ताला उनको जजाए खैर अता फरमाए और उनका हाथ से अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस वक्त जोगेश्वरी स्टेशन के ऊपर खड़ा हूँ और ये हमारे लिए आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है कि यहाँ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर दरवेश साहब की मेहनत से दूसरे एक्सीलेटर का जो है आज ओपनिंग हो गया। ये इलाका जोगेश्वरी स्टेशन जो है ये अंधेरी, लोखंडवाला, वर्सोवा और जितने यहाँ अतराफ के जो दूर के इलाके हैं, आनंद नगर है और ओशीवारा है, वो सारी पब्लिक यहाँ जोगेश्वरी स्टेशन उतरती है। लेकिन यहाँ के ऊपर सुविधा बिल्कुल नहीं थी और यहाँ पे जो ब्रिजेस बनाए गए वो तकरीबन आप देखिए तो 4 माले तक इसकी हाइट है। बिल्कुल सही। तो जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला था। मंसूर दरवेश साहब ने इसको महसूस किया और पिछले कई सालों से ये रेलवे के फॉलोअप कर रहे थे और पीछे लगे हुए थे कि किसी तरीके से यहाँ एक्सीलेटर लग जाए। इनकी मेहनत से एक पहले लग गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुभाष मेहता साहब के स्टेशन मास्टर साहब ने आज इसका ओपनिंग किया। हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम रेलवे से आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस स्टेशन को नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये जो है स्टेशन ऐसा है कि ये सबब की समझे रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर तमाम सेलिब्रिटियाँ इस वेस्ट के अंदर रहती है, बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारे यहाँ पे वर्कर है, रेसिडेंट्स है, हॉस्पिटल्स है, लेकिन यहाँ सुविधा ना होने की वजह से पब्लिक बहुत परेशान थी। तो मैं रेलवे से एक दरख्वास्त ये करूँगा, मंसूर भाईजान जो है वो फॉलोअप कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक लिफ्ट का जो है प्रोविज़न किया जाए। हाँ, और है ना टिकट काउंटर एक नीचे भी दिया जाए कि जो कभी ऐसा होता है कि लोग ऊपर टिकट लेने के लिए नहीं आ सकते हैं, और पानी का यहाँ पे एक कूलर दिया जाए, वॉशरूम दिया जाए, जैसे हर स्टेशनों के ऊपर जो सुविधाएँ मिलती है वो यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। तो हम सुभाष मेहता साहब से भी गुजारिश करेंगे कि हमारी आवाज़ को जो है, हमारी तकलीफ़ों को जो है आगे जनरल मैनेजर तक पहुँचाए और इस समस्या का हल करने की जो है कोशिश करें। फिर एक बार मैं मंसूर दरवेश साहब को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मेरा नाम मंसूर उम्मद दरवेश है, मैं जोगेश्वरी में 55 साल से रह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, 2014 से मैंने कोशिश की थी रेलवे के साथ में कि भाई जोगेश्वरी में एक एस्केलेटर की बहुत ज़रूरत है,
खास करके सीनियर सिटीजन्स, प्रेगनेंट वुमेन और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत तकलीफ थी। मैंने बहुत तकलीफ महसूस किया और मैंने 8 साल तक बराबर रेलवे के साथ में फॉलोअप किया और अल्लाह का शुक्र है, लोगों की दुआई है और मदद आई कि पहले आज 1 मार्च 2022 में एक एस्केलेटर आगे की चचगे की साइड पर शुरू हुआ, ये दूसरा एस्केलेटर है। इंशाल्लाह रेलवे से मैंने बात की और एक एस्केलेटर अपना पास हुआ है जो जोगेश्वरी फाटक के पास, जल ये काम होने पूरा होने के बाद वो भी जनवरी में इंशाल्लाह वो भी काम शुरू हो जाएगा। दूसरा मैंने एक और एक कोशिश की है कि जोगेश्वरी और राम मंदिर में, राम मंदिर स्टेशन की भी मैंने बात की है, दोनों मेरे को लोगों ने राइटिंग में दी है कि हम पहले जोगेश्वरी में एस्केलेटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं लगा तो हम एक लिफ्ट प्रोवाइड करेंगे जोगेश्वरी वालों के लिए। और राम मंदिर स्टेशन पर तो इंशाल्लाह एस्केलेटर जरूर लगेगा, एक कोशिश है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने चाहिए ग्रांड रोड स्टेशन के लिए भी लेटर लिखा, बाकी तो रेलवे वालों ने ऑफिशियली मेरे को रिप्लाई दिया कि हम चारों प्लेटफॉर्म पर एक एक एस्केलेटर लगाएंगे। मैंने 4 साल जो रेलवे कमेटी में था इसका मैंने सही इस्तेमाल करके सही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो रेलवे ऑफिसर है इनके कानों पर बराबर बात डाली और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात सुनी, अमल किया। थोड़ा टाइम लगता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, लेकिन माशाल्लाह हर काम शुरू से सही रिश्ते हो रहा है। मैं रेलवे को धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेलवे ने जो अभी ये काम किए बहुत अच्छा काम हुआ और यहाँ पे जो हमारे मैनेजर साहब हैं, जो भाई जान हैं, उन लोग को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ मेरे को, मैं पब्लिक चढ़ नहीं पाता था, तकलीफ होता था, किसी का टोहनी दर्द ये सब था, लेकिन अभी जो रेलवे ने लिफ्ट बनाया बहुत ही अच्छा काम किया। हर बुजुर्ग, हर महिला, हर नौजवान, किनको भी तकलीफ है कोई भी अब तकलीफ नहीं है यहाँ पर। बस मैं रेलवे से दरख्वास्त करना चाहता हूँ तो एक टिकट काउंटर नीचे हो जाना चाहिए। बस ये यहाँ पे जोगेश्वरी में काम करता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होता था ऊपर चढ़ने उतरने में, लेकिन ये जो सीढ़ी लगा ऑटोमेटिक सीढ़ी से बहुत ही मैंने अच्छा महसूस हुआ अभी मेरे को। मैं कुछ देर से यहाँ पे खड़ा था और मैं सबसे बड़ा तो यहाँ पे रेलवे का और जो हमारे भाई जान लोग, उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।